इस क्वेश्चन में कुछ पीसिस दिए हुए हैं बोला है किसका बॉन्डर वन पॉइंट फाइव होगा वो बताना है तो ध्यान देना बॉन्डर निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है आपको टोटल रोम काउंट कर लेना है तो यहाँ पे आपके पास क्या है ओ टू प्लस ओ टू माइनस ओ टू माइनस टू एंड ओ टू टोटल रंग कितना होगा ओ टू प्लस का, का बच्चों लोग ये होगा आपके पास फिफ्टीन सेवनटीन एटीन एंड सिक्सटीन जो बॉन्डर होता है फिफ्टीन के लिए कितना होता टू पॉइंट फाइव सेवनटीन के लिए कितना होगा सेवनटीन के लिए होता वन पॉइंट फाइव एटीन के लिए वन सिक्सटीन के लिए क्या होगा आपका टू तो वन पॉइंट फाइव किसका बाउंड्री निकल के आया चलो ये आएगा आपका वो टू माइनस का इन ऑप्शन जो होगा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फटाफट आंसर कर सकते थे अब आपका जो बॉन्ड और कैलकुलेशन का जो फंडामेंटल मेथड होता है और जो हम लोग फास्ट मेथड सीखे हैं दोनों इस वीडियो के एंड में एम्बेडेड होगा आप उसे देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो और अपने मैथड को फास्ट कर सकते हो तो बच्चों था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एनालिस नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों लोग इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि नॉर्मल तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं यूजिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटीबॉन इलेक्ट्रॉन बाई टू ठीक है जब भी कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको उस मॉलिक्यूल में जो एटम इन्वॉल्व है उनका एवरेज एटॉमिक नंबर पता करना है तो ध्यान देना इसको हम लोग अप्लाई करते हैं आपके लिए मान लेते हैं C2 टू मॉलिक्यूल पर अप्लाई करते हैं ठीक है तो C2 टू में पहला पता करोगे जेड एवरेज कैसे निकालते हैं तो C2 टू बना होता है C एटम से तो यहाँ पे दो C एटम है तो सिक्स प्लस सिक्स बाई टू कर दें क्या होगा ये सिक्स होगा अब जब जेड एवरेज अगर सिक्स है तो अब देखो कि आठ से छोटा है कि बड़ा है ठीक है तो जब भी जेड एवरेज आठ से छोटा होगा तो उस केस में हम लोग इस मोलिकुल ऑर्बिटल एनर्जी को फॉलो करते हैं बस समझे तो यहाँ पे C2 में चूँकि जे सिक्स है यानी आठ से छोटा है तो इसको फॉलो करेंगे अगर जे डबरेज आठ से ज़्यादा या उसके इक्वल होता है तो हम इस एनर्जी लेवल को फॉलो करते हैं ठीक है ठेके? अब इस केस में आपका जे डे डे सिक्स है तो इसको हमको फॉलो करना है अब हम कुछ को फिलअप करते हैं तो सी में टोटल रोन कितना होता है इसका टोटल रोन जो होगा ये होता है ट्वेल्व अब ट्वेल्व रोन को फिलअप करना मुझे तो यहाँ पे जो हर मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसका कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन इसको फिलअप करेंगे तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ पे सिंगली स्लिप फेप किया है क्योंकि यहाँ पे दोनों का एनर्जी लेवल सेम है पाई पे पाई पे वाई का तो यहाँ पे होन स्ल फॉलो किया गया है ठीक है फिर हो गया ग्यारह एंड बारह तो आप इसको फिलअप कर लिए अब आप आपको बॉन्डर निकालना था तो बॉन्ड कैसे निकालना बच्चों लोग तो सिंपली है बॉन्ड निकालने के लिए आपको क्या निकालना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल निकालो कितना हो रहा है सिस्टम में तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे दो यहाँ से दो और यहाँ से आपका टोटल चार तो बॉन्डिंग कितना हो गया चार प्लस टू प्लस टू कितना हो गया एट माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना होगा चलो तो यहाँ से टू और यहाँ से टू कितना होगा फोर तो एट माइनस फोर हो गया बाई टू कर देना तो हो जाएगा आपका बॉन्ड कितना हो जाएगा टू हो जाएगा इस केस में ठीक है

तो नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को बस आपको डिवाइड करना है दो से ठीक है तो यहाँ पे सिग्मा वन ने सिग्मा स्टार वन से आपस में कैंसिल कर लेगा यहाँ पे भी आपस में कैंसिल कर लेगा तो नेट बॉन्डिंग बस यहाँ से आ रहा है कितना आ रहा है चार आ रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे कितना दो से तो फोर बाई टू टू क्या होगा ए होगा टू तो यहाँ से आपका बॉन्डर टू निकल के आ रहा है ठीक है तो ये था इसका अप्लीकेशन सी टू मॉडल के लिए नेक्स्ट मूव करते हैं इसको अप्लाई करते हैं हम लोग एन टू पे तो पहला का आप क्या काम करेंगे एन टू मॉलिकुल में जो एटम इन्वॉल्व है यानी यहाँ नाइट्रोजन आइटम इन्वॉल्व है उसका पहले आप जेड एवरेज निकालोगे तो जेड कितना होगा सेवन प्लस सेवन बाई टू तो सब लोग सात आर यानी क्या आठ से छोटा है यानी इसको हमको फॉलो करना है इसे एनर्जी लेवल को फॉलो करना है और एन टू में ट्रोल्टोन कितना होता है फोर्टीन इसको फिलअप करना है तो फिलअप कर लेते हैं फोर्टीन को हम लोग तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा तो टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालो तो बॉन्डिंग आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है चलो बॉन्डिंग आपको यहाँ दिखेगा यहाँ दिखेगा यहाँ दोनों दिखने वाला है और फिर यहाँ दिखेगा तो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टेन माइनस एंटीबॉडी कहाँ दिखेगा चलो तो एंटीबॉडी आपको यहाँ दिखा सिग्मा वन वन एस स्टार यहाँ पे और यहाँ दिखेगा आपको तो क्या दिखेगा फोर रेड माइनस फोर बाई टू कर लो तो हो जाएगा थ्री तो एन टू का बॉन्ड क्या हो गया थ्री हो गया इसको अगर आप ऐसे निकालते हो कि नेट बॉन्डिंग रिटोन कितना आपको दिख रहा है तो नेट बॉन्डिंग के फॉर्मूले पर अगर हम चलते हैं तो उस के इसमें क्या होगा ए नेट हो जाएगा ज़ीरो यहाँ भी नेट ज़ीरो हो जाएगा तो बस यहाँ से बस बचेगा तो ये जो पूरा आपको बच रहा है ये हो जाएगा नेट बॉन्डिंग नेट बॉन्डिंग कितना बच रहा है तो नेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बचने वाला है आपके पास सिक्स तो सिक्स से बाई टू कर दो तो हो जाएगा थ्री तो इसी तरीके से आप इन टू का बाउंड निकाल सकते हो सिंपली अगर बात करते हैं हम ओ टू का निकालने का तो पहले बात ओ टू में आपका जेड एवरेज पता करो तो ओ टू बना किससे होता है ओ एटम से तो दो आइटम होगा तो क्या होगा एट प्लस एट बाई टू कर लेंगे तो हो जाएगा एट यानी ये आठ के इक्वल है यानी इस केस में हम को इस एनर्जी लेवल को फॉलो करना है अब वो टू को हम फिलअप करेंगे तो उसके इसमें क्या होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन अब फिलअप कर लिए अब आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना काउंट होगा बच्चे लोग तो यहाँ पे आपको यहाँ से दो मिलने वाला है यहाँ से दो चार यहाँ से दो छ और चे और प्लस यहाँ से चार दस ठीक है तो बॉन्डर जो होगा टेन माइनस एनडी बॉडी कहाँ से मिलेगा तो एनडी बॉडी मिलने वाला है यहाँ से दो तो चार और यहाँ से दो छः टेन तो माइनस सिक्स बाई टू यानी क्या हो जाएगा वन टू हो जाएगा ऑर्डर टू हो जाएगा अगर आप इसको आप नेट इलेक्ट्रॉन से निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो आप तो उसमें क्या करेंगे ये दोनों कैंसिल यहाँ बॉन्डिंग एंटी वैंसिल यहाँ पर नेट बॉन्डिंग कितना आपके पास है सिक्स और यहाँ पे एंटी वाइन टू है तो ये दोनों कैंसिल करके net bonding बचे? नेट बॉन्डिंग कितना बचेगा नेट बॉन्डिंग बचेगा चार बचेगा तो फोर नेट बॉन्डिंग बाई टू कर देंगे तो ये हो जाएगा टू तो इस टू का बॉर्डर निकाल सकते हो अगला हम मूव करते हैं हेट्रोइम है है पे तो हेट्रोइम मान लेते हैं हम लोग को निकालना है का एनओ का निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे आप कुछ नहीं करना है आपको आपको क्या करना है एनओ का आप निकालो जेड एवरेज कैसे पता चलेगा हम लोग को तो सिंपली क्या होगा एन में सात होता है ओ में आठ बाई टू कर लो तो यह हो जाएगा आपका सेवन पॉइंट फाइव चूंकि जेड एवरेज आपका आठ से छोटा है इसको आप फॉलो करोगे अब एनओ में कितना रोन टोटल होता, होता है चलो तो इसका टोटल होता है फिफ्टीन तो फिफ्टिंग को बस फिलअप करना है तो ऊपर फिलअप कर दो तो क्या हुआ यहाँ पे दो तीन चार पाँच छ ठीक है सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह एंड पंद्रह ठीक तो ये हो गया आपका मॉलिकुल को हम फिलअप कर चुके हैं अब बॉन्ड कैसे निकलेगा तो टोटल बॉन्डिंग लॉन्न देख लो तो कितना हो रहा है दो दो चार और यहाँ पे चार आठ एंड दो दस एंटीबॉडी कितना से बच लो तो यहाँ से दो दो चार और एक पाँच बाई टू कर लो यानी हो जाएगा ये टू पॉइंट फाइव तो इस तरीके से आप बाउंड पता कर सकते हो इनफैक्ट अगर आपको निकालना है इसमें एक और तरीका बोले थे हम लोग कि नेट बॉन्डिंग पता कर लो तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल करता तो यहाँ पर क्या होगा ये होगा नेट खत्म हो जाएगा यहाँ भी ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर लेगा तो नेट यहाँ पे छः बॉन्डिंग है और यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग है तो इसमें नेट बॉन्डिंग कितना होगा तो नेट बॉन्डिंग बाई टू करके भी निकाल सकते थे ऑर्डर तो नेट बॉन्डिंग बच्चा पाँच तो पाँच बाई टू करके यहाँ से कितना होगा टू पॉइंट फाइव तो इस तरीके से आप एनओ का निकाल सकते हो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास चार्ज आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है यानी कि स्पीच में जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एनओ प्लस आएगा तो एन ओ प्लस का बॉन्ड कैसे निकालना आपको कोई दिक्कत नहीं है आप पहले जेड एवरेज निकालो तो जेड एवरेज कैसे निकालेंगे तो इसमें चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है जो एटम इन्वॉल्व है उसका एटोम नंबर पता कर लो तो सात प्लस आठ बाई टू कर लो फिर से क्या होगा सेवन पॉइंट फाइव आ रहा है यानी आपको इस एनर्जी लेवल को फॉलो करना है एनओ प्लस मैं कितना हो टोटल टोटल रोन क्या होगा फोटीन अब इस फोर्टीन रोन को फिलअप करना है मेरे को तो फिलअप करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन और बॉन्ड निकालने में सिंपली क्या होगा तो आपको बॉन्डिंग कितना आएगा टेन माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना आ रहा है फोर बाई टू कर लो तो क्या होगा इसका आंसर थ्री आ जाएगा ठीक है और अगर आप नेट टोटल बॉन्डिंग का बात करते हो तो यहाँ पे ये दोनों नेट खत्म हो रहा है यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट करेगा तो नेट बॉन्डिंग कितना हो रहा है सिक्स तो नेट बॉन्डिंग सिक्स है तो सिक्स बाई टू करके भी आप बॉन्ड निकाल सकते थे इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर थ्री आएगा ठीक है तो चार्ज हो चार्ज नहीं हो सिंपल तरीके से आप बोलो बॉन्ड निकालना मैं सिखा दे रहा हूं अब एक और केस कैसे लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि ओ टू माइनस तो ओ टू माइनस में क्या करना कुछ नहीं करना बस आपको जेड एवरेज पता करना है तो ओ टू माइनस में माइनस को भूल जाओ अल्टीमेटली मेरे को जेडक के लिए बस प्रोटोन का नंबर चाहिए तो उससे कुछ चार्ज सौ का मतलब तो है नहीं तो ओ टू माइनस बना हो दो आइटम से तो उसका जेड एवरेज क्या होगा आठ आठ प्लस बाई टू कर लेंगे यानी इसका एट आ रहा है जेड एवरेज अब जेड एवरेज एट है मतलब हमको इस ऑटो को फॉलो करना है तो यहाँ पे ओटो माइसर टोल टोन कितना होता है सेवनटीन तो बस अब फिलअप करो तो फिलअप करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ठीक है ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तो ये हो गया आपका टोटल सेवेंटी लीटरों का फिलअप हम लोग कर चुके हैं ठीक है ठेक्या? अब इसमें क्या करना है आपको अब इसमें सिंपली करना है आपको बॉन्डर पता करने के लिए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई टू करना है तो बॉन्डिंग कितना होगा चलो यहां से आएगा टू टू यहां से आएगा टू और यहाँ से आ गया फोर तो बॉन्डिंग टोटल कितना हो गया टेन माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना दे रहा है चलो तो एंटी बॉन्डिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो यहाँ पे दो यहाँ पे आपका टोटल कितना दिखा तीन एंटी बॉन्डिंग दिख रहा है तो कितना होगा हो सात होगा तो दस बाई सात बाई टू कर देंगे नहीं क्या होगा इसका आंसर वन पॉइंट फाइव बास में आया अगर आप निकालना चाहते तो नेट बॉन्डिंग करके तो भी पता चल जाएगा यहाँ पर ये यह दोनों आपस में कैंसिल करेगा ये दोनों आपस में कैंसिल करेगा यहाँ पर देखोगे छः बॉन्डिंग और यहाँ पर तीन एंटी बॉन्डिंग है तो नेट बॉन्डिंग कितना होगा तो नेट बॉन्डिंग थ्री हो गया तो थ्री बाई टू यानी वन पॉइंट फाइव हो जाएगा इसके इसमें बॉन्ड ऑर्डर बात में तो ये आपको सारा तरीका समझा दिए कि नॉर्मली आपको किस तरीके से मोलिकुलर ऑर्बिटल डायराम को फॉलो करके बॉन्ड को निकालना है तो इस तरह के अप्रोच के लिए हमारे साथ बने रहें मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि इस मोलिकुल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा तो उसके लिए सिंपली आपको उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को लिखना पड़ता है उसके बाद आप बाउंड्र का फॉर्मूला अप्लाई करते हो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एनडी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाई टू करते हो उससे आप बॉन्ड को निकालते हो बट इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम आपको लगता है इस टाइम को सेव करने के लिए हम लोग आपके सामने एक ट्रिक ला रहे हैं उस ट्रिक पर आप फोकस करोगे आपको सिंपली क्या करना है आपको मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है और ओके पता होना चाहिए कि जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन जीरो हो फोर हो एट हो या फिर ट्वेंटी हो जीरो फोर एट या ट्वेंटी इस केस में आपके मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है ठीक है अब ध्यान देना तो आपके पास जो बेंच हो गया जीरो फोर एट ट्वेंटी यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल का बॉन्ड क्या आता है जीरो आता है अब सिंपली क्या करना आप इसको तीन में बांट सकते हो आपका एक सेगमेंट होगा जीरो से फोर दूसरा सेगमेंट होगा फोर से एट और थर्ड सेगमेंट होगा एट से ट्वेंटी अब ध्यान देंगे आपको पता है कि जीरो पे बाउंड्री जीरो होता है एंड फोर पे बाउंड्री क्या होता है जीरो होता है तो जीरो फोर का मिड पॉइंट क्या होगा टू होगा तो अब ध्यान देंगे मिड पॉइंट तक मिड पॉइंट तक बॉन्डिंग मोलिकोबिटल फिलअप होता है और मिड पॉइंट के बाद आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकोबिटल फिलअप होगा ठीक है सिमिलरली अगर फोर से एट का हम सेगमेंट को देखें तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा सिक्स होगा तो फोर से सिक्स तक जब मूव करते हो तो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा और सिक्स से एट तक में आपका जो फिलअप होगा क्या होगा एंटी बॉन्डिंग का फिलअप होगा ठीक है अगर हम बात करते हैं एट से ट्वेंटी का जो सेगमेंट है उसमें क्या होगा उनका मिड पॉइंट क्या होगा फोर्टीन आएगा तो टिल फोर्टीन तक आपका बॉन्डिंग ऑबिटल फिलअप होता है और फोर्टीन के बाद यानी फिफ्टीन ऑनवर्ड्स टिल ट्वेंटी तक आपका फिलअप होगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको सिंपली पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी एंटीबॉन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टू इसको आप ध्यान से एनलाइज करो तो इसको आप दो पार्ट में अलग कर सकते हो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई टू माइनस एंटीबॉन इलेक्ट्रॉन बाई टू अब इसको एनलाइज करके आप देख सकते हो कि जब भी आप बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हो तो आपका बॉन्डर क्या होता है इंक्रीज करता है कितने से इंक्रीज करता है पॉइंट फाइव से इंक्रीज करता है और जब भी आप एंटीबॉन इलेक्ट्रॉन को फिलअप करोगे तो उससे आपका बाउंड्री क्या होगा डिक्रीज करेगा कितने डिक्रीज करेगा तो पॉइंट फाइव से डिक्रीज करता है ठीक है अब इस लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं अपने सेगमेंट्स में तो आपके पास जीरो से लेकर ट्वेंटी तक का जो सेगमेंट था उसको हम तीन पार्टें बांट चुके हैं कैसे बांट चुके हैं जीरो से फोर फोर से एट एंड एट से ट्वेंटी तो जीरो से फोर में आपका जो मिड पॉइंट है टू है टू तक आपका बाउंड्री इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा तो आपको पता है कि जीरो इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसके उसमें क्या होता है जीरो होता है जब आप पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे तो फर्स्ट ट्रोन यानी जब डालोग तो कहाँ जाएगा बॉन्डिंग में तो आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग में आ रहा है सेकंड जो टर्न डालोगे तो वही बॉन्डिंग में आएगा तो फिर से बाउंड क्या होगा हो पॉइंट से बढ़ेगा यानी इसके से बाउंड क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ठीक है मिड पॉइंट के बाद जब आप मूव करते हो तो जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आप डालोगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो आपको बॉन्ड क्या होगा पॉइंट से घटेगा ठीक है यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा और जब फोर्थ पर जाओगे तो भी एंटी बॉन्ड में जाएगा तो क्या होगा आपका बॉन्ड फिर से पॉइंट फाइव घटेगा यानी क्या हो जाएगा बाउंड्रेड्रेड्रेड्र जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया पहला सेगमेंट अगर हम सेकेंड सेगमेंट का बात करते हैं से लेकर एट तक का तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है सिक्स होता है तो जब आप फिफ्थ एलिट्रोन डालते हो तो कहाँ जाएगा बॉन्डिंग में तो फिर से बॉन्ड क्या होगा पॉइंट फाइव से बढ़ेगा यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा फिफ्थ का पॉइंट फाइव सिक्स फिर से जाएगा बॉन्डिंग में तो कहाँ जाएगा उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा वन ठीक है सेवन जो एल्ट्रोन जाएगा कहाँ जाएगा एंटी बाउंडिंग में तो उसका बॉन्ड बाउंड कॉइंट फाइव से घटेगा यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा पॉइंट फाइव हो जाएगा और एट जो हो है वो जाएगा एंटी बॉडी में तो क्या होगा बॉन्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया आपका सेकंड सेगमेंट हम बात करते हैं लास्ट सेगमेंट का तो एट से लेकर ट्वेंटी का जो सेगमेंट है उसका मिटपॉन क्या है फोटीन है तो एट के बाद नाइन्थ ऑनवर्ड्स आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बॉन्डिंग में ठीक है तो नाइन्थ इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो जाएगा बॉन्डिंग में तो बॉन्ड क्या होगा पॉइंट फाइव टेन में क्या फिर से बॉन्ड जाएगा क्या होगा हो जाएगा वन अलेवन जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा फिर से बॉन्डिंग क्या क्या वन पॉइंट फाइव ट्वेल्व में क्या हो जाएगा टू थर्टी में क्या हो जाएगा टू पॉइंट फाइव फोर्टी में क्या हो जाएगा थ्री तो ये हो गया फोटीन तक फोर्टी के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी एंटीबॉन्डी में तो क्या होगा बॉन्ड घटाएगा पॉइंट फाइव से तो फिफ्टीन में क्या होगा बॉन्डर आपका टू पॉइंट फाइव सिक्सटी हो जाएगा टू सेवनटीन होगा वन पॉइंट फाइव एटीन का वन नाइनटीन का पॉइंट फाइव एंड ट्वेंटी हो जाएगा जीरो तो ये था पूरा हर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग बाउंडर क्या होगा उसका शॉर्टकट मैथड सिंपली आपको इसको याद कर लेना है आपको एक सिमेट्री दिखेगा सिंपल आपको क्या करना है आपको तीन सेगमेंट को देखना है जीरो से फोर फोर से एट और एट से ट्वेंटी यह सेगमेंट क्यों मैं चूज़ किया क्योंकि जीरो पे बाउंड्री जीरो फोर पे जीरो होता है बाउंड्री एट पे जीरो होता है बाउंड्री और ट्वेंटी पे जीरो होता है फिर उन्होंने क्या किए इस सेगमेंट का मिड पॉइंट ढूंढे जीरो से फोर का सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या था टू था फोर से का मिड पॉइंट क्या था सिक्स एंड एट से ट्वेंटी का मिड पॉइंट क्या था आपके पास फोर्टीन तो मिड पॉइंट तो बॉन्डिल्रोन फिलप होगा और मिड पॉइंट के बाद एंटीबॉन्डी का फिलप करना है और आपको पता है कि हर बॉन्ट्रोन से बॉन्ड बढ़ता है पॉइंट फाइव से और हर एंटीबॉन्डी के फिलप से बॉन्डर घटता है पॉइंट फाइव से बस ये लॉजिक को अप्लाई करोगे आप बॉन्ड बहुत सिंपली तरीके से आप बोल सकते हो आपको कोई भी मोलिकुलर ऑबिटल कॉन्फ्रेशन लिखने का नीड नहीं पड़ेगा इस मैथड में आप टाइम इन्वेस्ट करके अपने काफ़ी टाइम को सेव कर सकते हो जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहें मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में